यार पाकिस्तान में क्या मसला चाहिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो। मेरा शुक्रगुजार क्यों हो रहे हो मिस्टर भट्ट? हमारे दरमियान एक बॉर्डर जरूर है, मैं इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों मेरे देश, जैसा देश तुम्हारा है बिल्कुल वैसा देश मेरा, वैसा ही देश मेरा है। यहाँ के वही आब वही मट्टी, हम हमारे शायद नाम दो हो लेकिन हमारा हमारा दिल एक ही है। बात ये खालिद के इन्होंने बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान एक देश है, इस तरह बर्मा भी मेरा देश है। तालियां जी। फिर मैं शाहरुख आपकी तरफ आऊंगा, आखिर इंडस्ट्री के अंदर मसला क्या है, हम बहुत कैजुअली बात करना चाहते हैं आज। आज आप बताइएगा कि आप भी नीचे से ऊपर आए, ये दोनों इंडस्ट्रीज का इतना डिफरेंस क्यों है? फिल्में हम भी आपसे पहले से बनाते हैं, ऐसी क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान उधर नहीं पहुंच सका जहां आप लोग हैं? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे मिस्टर भट्ट साहब। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं और आप लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं कहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है। बल्कि मैं यहां पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक अपील मेरी तरफ से द किंग खान की तरफ से कि अंडरवर्ल्ड वाले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्या कहते हैं तुम लोग उसको, लॉलीवुड राइट, लॉलीवुड में भी कुछ पैसा इन्फिल्ट्रेट करें। क्या कमी है तुम लोगों के पास? आप लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये है। इसके अलावा इंडिया के पास एक मैं हूं जो कि किंग खान है, और आपके पास कम से कम 10 किंग खान है। मेरे जैसे कम से कम 10 लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। हमारे पास शायद टैलेंट की कमी है। मेरे जैसे 10 लोग, 10 एक्टर्स मेरे जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं मुझसे पहले ही। मैं आपको नाम बता, आई फॉरगॉट द नेम्स, हुमायूं सईद आई गेस समबडी वाज टेलिंग मी, या हुमायूं सईद, अदनान जिलानी मे बी, या यानी कि आप जैसे शाहरुख खान यहाँ भी घूम। एग्जैक्टली। एक और है जो मुझसे भी अच्छा करता है, साहिल लोधी। तो मैं यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म से, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं इस रिपब्लिक में शाहरुख खान की कमी, कोई कमी नहीं है। शाहरुख आपकी तरफ आऊंगा, जरूर अपना टाइम निकाल के आए, आप बड़े सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस रिपब्लिक को आप देखना चाहते हैं किसी अच्छी जगह, हमारे इतने सारे स्टार्स आपके लिए जाके काम करते हैं, आप म्यूजिक ले लें, आप एक्टर्स ले लें, आप सोचते नहीं कि कोई इस तरह जॉइंट वेंचर होना चाहिए कि आप किसी फिल्म में आके पाकिस्तानी काम करें ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके? मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर किसी मूवी से अच्छा है कि मैं किसी करंट अफेयर के शो में आ जाऊं। जस्ट किडिंग बाय द वे, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा मशहूर हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या मैं कभी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के अंदर कोई मूवी करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। पाकिस्तान मेरा देश, आई लव पाकिस्तान। और एक और बात भी यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, आपके फनकार वहां पे आते हैं हमारे देश में, बिकते हैं, लुटते हैं, टैक्सेस के लिए उनको वहां पे हमारी पुलिस वहां पे रोकती है, एयरपोर्ट रोका जाता है, उनके साथ मसाइल होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर भी आपके फनकार जो है, आप कहना चाह रहे हैं ढीठ है हमारे? आई डिडंट से दैट।